गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भैया नाना के यहाँ। और पीछे देखो गाड़ी की कलेक्शन दिखाता हूँ आपको, एक से एक गाड़ियाँ मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये कौन सी है? अचीवर। ये बड़ी वीआईपी गाड़ी है, ये देखो गाइस। और ये वाली, अच्छा अब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे गाइस महंगी गाड़ी आएंगी, ये देखो। और ये कौन सी है? ये रॉयल इनफील्ड की। और ये कभी चली गई है। और एक बड़ी हाथी उधर खड़ी है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से गाड़ियां ही गाड़ियां, मतलब जितने बंदे उतनी बाइक जिनको जहां जाना लेके जाए, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। इधर देखो, ये देखो जय श्री राम, भाई राम जी का मस्त पताका लहराते हुए। और ये अपना कालू खड़ा है इधर, धूल धूल लपेटे। एक कालू वहां। मिस्टर टोनी को दिखाता हूँ जूम करके। टोनी, हे टोनी, देखो गाइस ये है रॉट व्हीलर। राम राम भाई, खतरनाक लुक है गाइस इसका, देख रहे हो ये। कितने साल का हो गया प्रशांत? तीन साल, चौथा चल रहा है, चार साल का है ये बच्चा। लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है। इसका दूर दूर ही ब्लॉग बना लो ज्यादा सही, पास जाने कैमरा छीन के खुद ही ब्लॉग बनाने लगे। और बाकी इधर से दिखाएं तो इधर से देखो आप बिल्डिंग वाइज जबरदस्त। और अभी आपको एक टूर भी दूंगा आज इस हवेली का, और आपको काफी सही लगेगा ये। ठीक है, तो एक टूर दूंगा पूरा इस हवेली का। और आज की डेट में अगर बात करें तो ये घर कितना हो, 10 करोड़ का तो हो ही, अगर कोई बनवाएगा ना शायद उससे ऊपर ही चला जाएगा ये देखो। और इस फ्रेम में ये आएगा भी नहीं, ये 0.5 पे भी फ्रेम में नहीं कैप्चर हो रहा गाइस, इस तरह से आप देखोगे। सो गाइस चलो फटाफट से एक टूर दे देता हूँ पूरे घर का। और ये घर क्या कहूँ, ये तो पूरी एक हवेली है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी का गैराज बना हुआ है, ये अभी लेटेस्ट बना गाइस आई थिंक लास्ट 4 to 5 ईयर्स में। और ये जो इधर का जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये है पुराना, 200-300 साल पुराना है। और जैसा कि आप देख सको, शायद ज़्यादा ही पुराना हो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है ऐसा। बाकी ये नक्काशी वगैरह आप देखो यार, कितने सही तरीके से की गई कि आज की डेट में ऐसा करना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते, बट बहुत ही टाइम टेकिंग है। इतना ज़्यादा टाइम लगेगा एक एक ये नक्काशी बनाने में कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज की डेट में ऐसा बनवा पाना आसान नहीं है, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने बोला ना कि भाई 50 करोड़ आप रख लो हाथ में, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग बनाना, इसकी छत इतनी मोटी है गाइस कि कभी ये गर्म नहीं होती है छत, और बिना सरिये वगैरह के लगी है। सोचो आज की डेट में बिना सरिया वगैरह के लिंटर नहीं टिक पाता, ये लिंटर पूरा बिना सरिये पे है। तो अब देख लो आप, लगा लो कैसे बनाया गया होगा, क्या तरीका रहा होगा कि आज की डेट में इस तरह की नक्काशी तो नहीं बन सकती। जैसा कि अभी ये देख रहे हो ना, कितना ही सुंदर लग रहा भाई। ये जाली वगैरह आज देख लो, आज की डेट में बनेगा तो महीने महीने लग जाएंगे एक एक जाल बनाने में, तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और अभी भी ऐसे ही देख लो, थोड़ी बहुत यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह हो जाता है, बाकी ताबड़ तोड़ है। तो ये है वो हवेली 50 करोड़ वाली, शायद ज़्यादा ही लागत लग जाए आज की डेट में अगर आप बनवाओगे तो। अभी हम लोग निकल चुके हैं नाना के यहाँ से। यार देखो ज्यादा कुछ ब्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि यार जब अपने लोग साथ रहते हैं तो फिर यार मन नहीं होता ना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन होता है, जो हमने किया। काफी अच्छा आया, मजा आया भाई, बच्चे भी बहुत खुश थे, सब लोगों से मिलके मजा आ गया। मतलब वही है ना यार, लंबे टाइम के बाद मिलो तो वही है, मिलने का मजा ही अलग होता है। क्या किया जाए, जॉब वॉब के चक्कर में भाई इतना टाइम मिल नहीं पाता, बट यार जो भी टाइम मिले अपनों के साथ स्पेंड जरूर करना चाहिए। और यार देखो हम लोग छोटे पे थे, नाना के घर जरूर जाते थे, हर कोई जाता होगा ना नाना के घर गर्मियों की छुट्टी में, तो भाई बड़े होके भूला मत करो, जाया करो, मजा आ जाता है।
बाकी अभी निकल दिए हम लोग और थोड़ा दूर हमने कवर भी कर लिया, 8:30 में निकले थे और अभी टाइम देख लो क्या हो रहा, 9:15 हो रहा है, पता नहीं 20-35 किलोमीटर तो आ ही गए हैं, शायद ज़्यादा ही आ गए। तो चलो मस्त भाई, कालू का परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो, लाइट तो चका चक है इसकी भाई, वाह मज़ा आ जाता है इसको रात में चलाने में। और आपको पता ही है कि आपका भाई रात का शिकारी है, रात में ड्राइविंग करता है बढ़िया, दिन में नहीं चला पाता भाई रात में मुझे बहुत मजा आता है, मजाक कर रहा था गाइस। रात में पता क्या सीन होता, बाइक वाले साइकिल वाले नहीं मिलते हैं, तो जिससे ड्राइविंग सेफ रहती, बस आपको जगना होता है, नींद आए तो रोक लिया करो बस। बाकी ये साइकिल और बाइक वाले नहीं मिलते हैं, इससे ड्राइविंग काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है, और ये जो रोड वगैरह क्रॉस कर रहे होते हैं वो ये भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। चलो बाकी चलते हैं। तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है,